हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। इस मेकअप लुक को अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो होली पे भी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर इसे आपको अगर किसी शादी में जाना है तो उसमें भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं गुड वाइब्स की रोज़हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज करते हुए अप्लाई कर लेना है। हम अपने आईब्रोज को फिल कर लेंगे। तो इसके लिए मैं हिलेरी रोडा का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें स्पूली की हेल्प से कॉम कर लेना है, फिर आईब्रोज को फिल कर लेंगे। कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। इसे अपने पूरे आईलिड एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और आईब्रोज के ऊपर भी कर लेंगे, जिससे कि हमारी आईब्रोज शार्प दिखे। अब इसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर को सेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। अब आईशैडो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइट पिंक शेड लेकर इसे अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेना है। कंसीलर लेकर इसे अपने हाफ आईलिड एरिया पे अप्लाई कर लेंगे। इसे डैब डैब करके ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं पर्पल ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी में पर्पल और पिंक कलर है, इसलिए मैंने आई मेकअप को पर्पल और पिंक में रखा है। ग्लिटर को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें अपने आईलिड पे अप्लाई कर लेना है। अब आईलाइनर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क का कोलोसल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसे हम विंग ड्रॉ कर लेंगे।
नेक्स्ट मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को क्लीन कर लेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा आई शैडो गिरा होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। अब प्राइमर अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ये हमारे ओपन पोर्स को ब्लर करता है और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, साथ ही साथ फ्लॉलेस भी बनाता है। अपने फेस को ग्लोई बनाने के लिए इल्यूमिनेटर अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। इसे अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करना है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। मैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रही हूँ उन सबको मैं सेट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इससे आपको, अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो आपको वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने में हेल्पफुल हो, आप वहाँ से चेक ज़रूर कर लें। अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए और अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसे भी अपने डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स पर जहाँ भी हाईलाइट करना वहाँ अप्लाई कर लेना है, फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लेंड करने के लिए हमें अच्छे से धीरे धीरे टाइम देकर ब्लेंड करना चाहिए। मैं यहाँ वीडियो में फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखाती हूँ, इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ। इसे टाइम देकर ही ब्लेंड करें, तभी मेकअप लुक निखर कर आएगा। इसे अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये पैची दिखेगा। अब हम कॉम्पैक्ट अप्लाई करेंगे जिससे हमारे कंसीलर और फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो जाए। अपने लोअर लैश लाइन पे आई शैडो अप्लाई कर लेंगे तो इसके लिए हमें पिंक और डार्क पर्पल शेड लेना है और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अब अपने आईलैश को सेट कर लेंगे। मस्कारा अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क का द हाइपर कर्ल मस्कारा यूज कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह फॉल्सेस लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो मस्कारा को 2 से 3 कोट अप्लाई करें, इससे आपकी आईलैश बड़ी दिखेगी। ब्रॉन्जर ब्लश और हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो इसके लिए मैं S.f.r कलर्स का ब्रॉन्जर ब्लशर और हाइलाइटर पैलेट यूज कर रही हूँ।
लिप लाइनर अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं इन कलर का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। अब लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। मैंने इस लिपस्टिक के ऊपर एक दूसरा लिपस्टिक भी अप्लाई किया था लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है। उसका सेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मेरा फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो या ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।